हाँ जी दादा लोग, तो आज का वीलॉग होने जा रहा है बहुत ही खास। नहीं, मैं नहीं मानता। और सबसे पहले तो खास टोपी हमारी हजारा की निशानी, और प्राउड टू बी हजारे वाल एंड लेट हैज कम। सो टुडे We are having a visit with a friend. हाँ जी दादा लोग, तो आज हमारा जो है बहुत ही स्पेशल सीन होने जा रहा है, और वो ये है कि आज हम फर्स्ट टाइम मॉस्को में एक पाकिस्तानी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। एंड क्रेडिट गोज टू माई फ्रेंड मुबशर, ही टोल्ड मी अबाउट दिस गाय। और मुबशर हैज़ बीन हियर, 3 साल मुबशर मॉस्को रह के गए हैं, तो अब वो अपने एक्सपीरियंसेस से और अपने तजुर्बों से हमें मुस्तफीज़ कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मुबशर फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं जिनसे मिलने जा रहा हूं, हिज नेम इज़ तौसीफ एंड ही इज़ हियर स्टडिंग इन स्कूल टेक। अभी मुझे ज़्यादा उनके बारे में नहीं पता इतना, और बस इतना पता है कि चिल बंदा है, अपनी तरह का बंदा है। तो जब मुझे मुबशर ने बताया तो मैंने कहा वाई नॉट कनेक्ट हिम विद मी एंड आई वॉन्ट टू मीट हिम, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया कराची वालों से मिले हुए और उर्दू में बात किए हुए। और सबसे अमेजिंग बात कि ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम हज़ारा, फ्रॉम माई होम टाउन। सो इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग एंड दैट्स द रीज़न आई एम वेयरिंग हज़ारा वाल कैप टुडे। और ट्रेडिशन अपना याद आ गया भाई को आज, तो भाई ने कहा हिंद को भी मारेंगे इंशाल्लाह थोड़ी, और साथ साथ जो है उससे मिलेंगे, गपशप भी करेंगे, इंजॉय भी करेंगे। और तो हज़ारे हिंद को भी बोलेंगे आज, आज इंग्लिश भी बोलेंगे, आज रशियन भी बोलेंगे, आज उर्दू भी बोलेंगे, सही है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे मेन चीज़ के आपको बताएंगे कि स्कूल टेक में एडमिशन कैसे लेते हैं। स्कूल टेक यहाँ की सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज़ में से है, रशिया की और मॉस्को की, एंड वर्ल्ड रैंकिंग में इट्स इन अराउंड 100 to 150। सो आई रिकमेंड यू गाइज, हूएवर इज़ इंटरेस्टेड टू यू नो come to Russia, you should see and check school take admission and try to attempt it. Test hota hai inka, interview hota hai, aur scholarship offer karte hain. If you are talented enough, you can easily get the admission. Test is a bit difficult, it's about mathematics, chemistry and physics and the subject you are going to do. Mostly their subjects are related to science. So, it's like space sciences, aeronautical engineering and petroleum engineering and data sciences. तो इस तरह के courses हैं, आप इनकी website visit करिएगा, मैं आपको link दे दूँगा description में, और आप check कीजिएगा ज़रूर कि स्कूल टेक का क्या scene है। और तौसीफ से भी मिलेंगे तो तौसीफ से भी discuss करेंगे, पूछेंगे कि how was he able to secure the admission here, और वो कैसा जा रहा है उनका। आई हर्ड के उनको भी महीना हुआ है आए हुए, और मुझे भी ऑलमोस्ट एक महीना हो रहा है, तो अब उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे आपसे कि उनको कैसा लगा मॉस्को, और मैं अपना बताऊंगा साथ साथ उसको। तो इट वुड बी अ रियली इंटरेस्टिंग वीडियो, सो आई होप यू गाइस गोना स्टे विद मी टिल द एंड एंड यू विल बी रियली रियली हैविंग फन। टुडे इज़ अबाउट फन। ओ भाई हालत इतनी टायर्ड हो गई है, 5 मिनट अभी भी है रहती है वॉक, वॉक इधर बहुत करनी पड़ती है भाई, बंदा फिट हो जाए। सारे मोटे जो है ना पाकिस्तान के, उनको इधर भेज दो, महीने में सेट हो जाएंगे सारे। बहुत हराम खोरी कर ली, हडो हरामी कर ली। अच्छा अब करीब हूँ मैं, और आई होप के बहुत जल्द मुझे मेरा दोस्त, मेरा पाकिस्तानी भाई मिल जाएगा यहाँ। और ये भी एक अजीब फीलिंग है यार कि आप देश से दूर जब अपने अपने देशवादियों से मिलते हैं तो एक अजीब सी खुशी होती है। और ये मेरी फर्स्ट टाइम किसी पाकिस्तानी बंदे से मुलाकात है इधर, और आई होप कि ये नई दोस्ती का आगाज़ अच्छा होगा और इंशाल्लाह हमारा सीन ऑन है। और जब तक हम यहाँ पे हैं हम मिलते रहेंगे। और उसने मुझे कहा था कि मैं इस ए के नीचे खड़ा हूँ एंट्री के पास आशान की, तो लेट्स चेक where he is and what he's up to.
एंड आई थिंक मुझे रिकग्नाइज भी करना पड़ेगा पहले तो कि है कौन, किसी गलत बंदे को झप्पी ना मार लूँ ना, बड़ा जज्बाती हुआ हो या किसी लड़की को झप्पी ना मार लूँ तौसीफ समझ के। मुझे लग रहा है कि वो सामने खड़ा है, मुझे लग रहा है ये जो सामने बंदा खड़ा है ना यही अपना पाकिस्तानी ब्रदर है और ये देख के स्माइल भी कर रहा है, तो लग तो यही रहा है और यही है भाई। और ये ऐसी पहुंच गया जी प्रभात कोल जी, अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। इतनी खुशी मुझे आज तक। क्या हाल है, खैरियत है, ठीक ठाक हो, मजे च, फिट हो? मैं वीलॉग बनाना शुरू कर दिया सी उठो ना। अच्छा, मैं दसिया कि जी आज मैं पहली बारी किसी पाकिस्तानी नाल मॉस्को च मिल रहा। सीरियसली? हां जी, हां जी, पहली बारी किसी पाकिस्तानी नाल मुलाकात हुई है ते मैं दसिया ते आज दा वीलॉग बड़ा स्पेशल होने लगे, सही है ना? चलो फिर इंशाल्लाह एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, सही है? फिर आप भी स्टे ट्यून्ड गाइस, आपको बहुत मजा आएगा आज के वीलॉग में। तौसीफ भाई से मुलाकात हो गई, इनको पकड़ लिया, अंदर चलते हैं मॉल में, थोड़ा कॉफी शॉफी पीते हैं, जरा सेट होते हैं, उसके बाद वीलॉग ऑन करते हैं। और भाई ये हमने आज स्टारबक्स यहाँ पे निकाल लिया है और ये फर्स्ट टाइम मैं मॉस्को में स्टारबक्स आ रहा हूँ और तौसीफ भाई के साथ मैंने कहा चलो इधर ही चिल मारते हैं, बैठते हैं, कॉफ़ी शॉफी ट्राई करते हैं स्टारबक्स की। और हम यहाँ पे हैं जनाब और तौसीफ भाई रेडी हैं, चले तो माहौल तो बड़ा वीआईपी है। आई होप कि हमें दो सीट्स मिल जाए। हियर यू कैन सिट। सो हियर वी आर इन स्टारबक्स सिटिंग, पीपल आर एंजॉयिंग देयर कॉफी एंड एवरीथिंग लुक्स ग्रेट हियर, सो लेट्स एंजॉय आवर टाइम हियर। Да. Сахара есть, да? Нет, там сироп просто сладкий, но сахар вот здесь. Ага, здесь, да? Да. Хорошо, спасибо. То хмари кофе ready hai, Wakas Dada. And this is for Tawseef bhai. So give Tawseef bhai's coffee to Tawseef bhai. Thank you. Isme sugar nahi hai. To yahan se aapko leni padegi. Sahi? Aur ye aa gayi meri coffee, Wakas Dada. And here you go, ye meri coffee hai. शुगर हम देख लेते हैं। तौसीफ भाई आपकी कौन सी लूँ, नॉर्मल? नहीं लोगे? चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर हम दो शुगर लेंगे यार, हम शुगर के बगैर नहीं चल सकते, कड़वे इतने हम ना कि हम शुगर के बगैर चल नहीं सकते ना। चलो भाई ये हो गया और इसका स्टिरर ये आ गया, तो ये हम आ गई कॉफ़ी हमारी। तौसीफ भाई आपने स्टारबक्स ट्राई किया इससे पहले? हाँ, मैंने चाइना में। अरे ज़बरदस्त हो गया, पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स सी हाउ It is Starbucks in Moscow. Wakas Dada. अपनी बबल थैंक यू, बड़ी बैठी खैर होगी। चलें जी ट्राई करते हैं, पहले तो बगैर चीनी के ट्राई करते हैं। अच्छी है उसके बगैर, कैरमेल है ना। वाओ, वाकई यार दिमाग पे लगी है भाई ये तो, हैं? ये तो बंदे को रात तक जगाएगी कसम से भाई, ये तो कसम से बहुत वैसे ही घूमना है ना, ठंड में घूमना है, सही कह रहे हैं। हेल्प कीजिए, ये तो है, ये तो है। अच्छा मसला ये तो अभी भाई, अब तक मेरे पास जो है ना, मैंने अभी तक वीलॉगिंग का सामान लिया नहीं है प्रॉपर, मैं मतलब कि स्टैंड हो गया या कोई ऐसे स्टिक होती है काइंड ऑफ, अभी तक वो सीन नहीं किया, हाथ इतने लंबे हैं कि वैसे ही स्टिक बन जाते हैं, सही है ना? इसलिए मैंने कहा खर्चा क्यों करें, चैनल को मैंने ऊपर जाने दें थोड़ा, मेरा पैसा वैसा आने दें, उसके बाद थोड़ा खर्चा करेंगे ना दादा। अभी तो फ़ोन से कर रहे हैं, गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है गुजारा। और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब कि लाइक विद इन 10 डेज आई गॉट 150 सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, 300+ व्यूज़ जा रहे हैं हर वीडियो में। तो सीन ऑन है भाई, वीलॉगिंग आप भी कह रहे थे कि मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, मैंने थोड़ा बहुत जो है ना सोच रहा हूँ इस बारे में भाई, स्टार्ट करें ना, आप पहले वीलॉग में तो आ गए हैं, अब आप कैमरा कॉन्शियस भी नहीं रहे। आई थिंक आप तो बड़े ज़बरदस्त कैमरा के साथ, तो आप फ्लुएंट है मुझे लग रहा है, कैमरा शायद आप नहीं है, और कैमरे के साथ दोस्ती कर लेनी है सिंपल। अच्छा मैंने वैसे मीडिया किया है काफ़ी वर्षा, मैं मीडिया में रहा हूँ, मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, विजय हंट किए, जियो सुपर पे आता रहा हूँ, एयरवाइव पे आता रहा हूँ, एयरवाइव वीडियोस किए हैं मैंने, एक्टिंग भी की है लाइक थोड़ी बहुत, तो मेरा एक कैमरा के साथ तो सीन ऑन है, मज़ेदार है, मतलब मुझे मज़ा आता है कैमरा के साथ। और जब मैं आ रहा था ना कराची से, तो मैंने सोचा कि यार उधर जाऊँगा मैं अकेला हूँगा, कुछ बात करने के लिए भी नहीं होगा शायद, चलो कैमरे से बात, कैमरे से बात कर लिया करेंगे, थोड़ा गपशप हो जाएगी। बहुत तेज हो रहा है, थोड़ा लोगों को कराची में दिखा देंगे भाई हम क्या कर रहे हैं इधर, पाकिस्तान में पता चल जाएगा। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि रशिया मैंने देखा बहुत कम पाकिस्तानी है,
जो कि जानते हैं रशिया के बारे में, जो आते नहीं पता उनको, जबकि इधर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको भी आइडिया हो गया होगा महीने में। स्पेशली आने से पहले मैं खुद सर्च कर रहा था ना कि कुछ एटलीस्ट कुछ इलाके के बारे में पता चल जाए, मॉस्को सिटी कैसा है, क्या क्या करते हैं लोग वहाँ पे, तो मुझे कुछ इस तरह का कॉन्टेंट मिला नहीं है। अपने जो पाकिस्तानी हैं वो क्रिएट नहीं करते, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके थ्रू जो है ना लोग सीखेंगे। हम अब इस शेल से बाहर निकलें और हम हर कंट्री को एक्सप्लोर करें, ऐसे ही है। और जो मेन है मशहूर जगह सिर्फ वो नहीं, अब यूएसए के बारे में हर बंदे को पता है और ज़्यादातर पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, वहाँ पे व्लॉगर्स होंगे और बनाते होंगे, और इवन ऑस्ट्रेलिया के मैंने देखे हैं व्लॉगर्स और बाकी मुल्कों के देखे हैं, यूरोप में बहुत हैं, जर्मनी के लड़के हैं वो जो कर रहे हैं व्लॉगिंग। रशिया में मैंने अभी तक कोई प्रॉपरली सेटअप नहीं देखा था, दो तीन लड़के मैं देख रहा था जो कर रहे हैं, बट उनका भी बहुत बेसिक सा था, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बस कुछ एक दो महीने बाद छोड़ दिया, बट टाइम मिल गया तो कर लिया, रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि यार आई शुड स्टार्ट इट एज अ रेगुलर बेसिस, सही, ऑन अ रेगुलर बेसिस। और मेरा ये भी था कि पाकिस्तानियों को रशिया के बारे में बताएं, यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं। जिस तरह आप एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी में हो, स्कोलटेक में, मैं गपकिन में, अब मैंने आपकी गपकिन का तो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ कवर, मैं यूनिवर्सिटी को भी कवर कर रहा हूँ, स्कोलटेक का करेंगे, स्कोलटेक का इंशाल्लाह करेंगे कवर, सही है। तो आप भी बताएंगे, आज भी हम आपसे थोड़ी बेसिक सी चीज़ें पूछेंगे एडमिशन के बारे में कि कैसे अप्लाई किया आपने, कैसे मिल सकता है एडमिशन, स्कॉलरशिप क्या होती है, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं थोड़ा बहुत, तो हम इस वीलॉग को करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए जी, अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि स्कॉलटेक में एडमिशन कैसे लेंगे आप। फैमिली डॉक्टर के नाम से क्लिनिक्स हैं, तो मैं काफ़ी इस पे आता रहता हूँ, इस पे ऑरेंज लाइन पे, ग्रीन लाइन पे, रेड लाइन पे दो तीन बार गया हूँ। ज़बरदस्त। आपका जो है ना यहाँ पे काफ़ी अलाइव है, मतलब लोग घूम रहे हैं काफ़ी ना, हमारे यहाँ स्कॉलकोवा में ऐसे जैसे कोई मतलब आप सुने कुछ भी नहीं है बाहर, अच्छा कोई बंदा नहीं नज़र आएगा, ना करें, बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है और ज़्यादातर लोग वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, अच्छा जो लैपटॉप से बाहर नहीं निकलते,